दोस्तों स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे गए जैसे आप गूगल पे के अंदर कोई सा भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाह रहे होंगे ने तो यहाँ पे गए आपके साथ कुछ इस तरह से इरर शो कर रहा होगा, जैसे कि गए यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा होगा। जैसे कि मैं आपको फिर से ट्राई अगेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गए देख सकते हो, जैसे मैं इस वाले बैंक को अकाउंट को यहाँ पे ऐड करने जाता हूँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गए प्रोसेसिंग तो स्टार्ट होता है, लेकिन गाइस यहाँ पे एरर आ जाता है यहाँ पे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ इस वाले अकाउंट में बता देते हैं कि यहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो अगर गाइस आप भी सॉल्व करने चाह रहे हो, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कोई सा भी यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे गाइस प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रहा है और होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया और यहाँ पे गाइस कुछ समय तो टाइम लगेगा ही और टाइम लगने के बाद वो भाई देख सकते हो इस वाले जो मेरा मोबाइल है इसमें ऐड हो चुका है, लेकिन गाइस इस वाले में मेरा ऐड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप गूगल पे के अंदर कोई सा भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। अगर अभी आप ऐड करने जा रहे होंगे ना तो यहां पे आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम शो कर रहा होगा, जैसे कि गाइस मैंने इस वाले मोबाइल में अपना प्रॉब्लम फिक्स आउट कर लिया है और इस वाले मोबाइल में मैं आपको लाइव प्रूफ फिक्स आउट करके बताने वाला हूं। तो चलिए मैं फाइनली आपको बता देता हूं क्योंकि गाइस यहां पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पे आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। गूगल पे यहां पे गाइस जैसे सर्च मारोगे ना उसके बाद यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ से क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइज यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक और है जो कि गाइज आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे जो गूगल पे शो हो रहा है ना इस पर आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पे गाइज आपको ऐप इन्फो शो हो जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पॉपअप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा देख सकते हो स्टोरेज यूजेज का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गई यहाँ से फिर से क्लियर कैचर कर देना। क्लियर कैचर करने के बाद गई यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और शो होगा डाटा यूजेज का, तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप में ऑफ होगा तो इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाए। बैक आने के बाद गई यहाँ पे फिर से आपको गूगल पे को यहाँ पे ओपन कर लेना। तो यहाँ पे गई जैसे गूगल पे को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गई पहले आप क्या करिए, प्रोफाइल फोटो पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हो ना उस पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना। जैसे मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद गाइस आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे गाइस देख सकते हो कुछ समय तो वेट करना ही पड़ेगा और यहाँ पे वो भाई मेरा ऐड भी हो चुका है। तो अब चलिए मैं आपको दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाता हूं। उसके बाद गाइस ऐड करने के बाद यहां पे अगर आप यूपीआई पिन सेट करना चाह रहे हो ना तो सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से गाइस आप अपना यूपीआई पिन भी सेट कर सकते हो। आई होप आशा करता हूं कि आपका यहां पे प्रॉब्लम जो हो रहा था वो सॉल्व हो गया होगा। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।